अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में आपके लिए बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आए हैं। आप इसे पराठा भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे फाइन आटा लेंगे 1.5 कप। साथ हमें मिल्क चाहिए होगा, ये मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 400 ml। इसके अलावा पानी लेंगे, 1 अदद एग लेंगे, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है फ्रेश धनिया। ऑयल का इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून, शुगर 1 टेबलस्पून, नमक लेंगे टेस्ट के मुताबिक, मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा जो हमने लिया है। सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दूध, साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी, साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे शुगर, साथ हम ऑयल भी ऐड कर देंगे, साथ हम ऐड करेंगे नमक, और नमक के साथ हम यहाँ पर साथ ऐड कर देंगे फाइन आटा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने लिक्विड डो तैयार करनी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड करेंगे, इसको भी एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे कुक करेंगे। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑन करेंगे और यहाँ पे हमने हल्का सा ऑयल के साथ इसको ग्रीस किया है, आपने यहाँ पे ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे हम तैयार किया हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे और यहाँ पे अब हम इसे इस तरीके से फैला लेंगे और अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इस साइड से भी इसे कुक करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर इस साइड पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको कुक करेंगे। इस साइड से भी हम हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको अब हम दोनों साइडों से कुक कर लेंगे। दोनों साइड से हमने अच्छी तरह से इसे कुक कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 1 अदद अंडा लिया था, इसको हमने फेंट लिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे हल्का सा हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और यहाँ पे अब हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए अब हम इसे इस साइड से भी कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे, ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी जो है 1 अदद हम बग़ैर अंडे की भी पराठा तैयार करेंगे। इसी पैन के अंदर हम दोबारा से तैयार किया हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे। अब ये वाला पराठा हम विदाउट अंडे के तैयार करेंगे। इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम एक साइड से इसे कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम इस साइड से भी कुक करेंगे। अब हम दोबारा से इस साइड पे ऑयल अप्लाई करेंगे।
और यहाँ पे इसकी साइड चेंज करके दोबारा से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद अब हम इस साइड से भी ऑयल अप्लाई करेंगे। इसको इस साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इस साइड से भी हम इसे कुक करेंगे। दोनों साइड से तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फाइनली पराठा बनके बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our